नमस्ते भाई लोग, कैसे हो आप लोग? लाइफ में कुछ टेंशन वेंशन? टेंशन है, टेंशन है ना, तो जिम लगाओ यार, सब टेंशन खलास। ये देखो आज का लोकेशन, और जैसा आज का ये लोकेशन और ये बॉडी है ना, वैसे ही आप आज का टॉपिक होने वाला है, जो कि है मसल गेनिंग टिप्स, जो मैंने 15-16 साल से खुद पे यूज किया है, वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साइंस ये सब अलग होता है, और उसी साइंस को गिन चुन के खुद पे यूज करना और देखना कि क्या चीज खुद के बॉडी के लिए सही है और क्या चीज खुद के बॉडी के लिए गलत है, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे ज्यादातर वीडियोस पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही होते हैं। ये वीडियो तुमने देख लिया ना अगर, तो कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मसल बढ़ जाएंगे। सिर्फ जो बोलूंगा करते रहना भाई। सबसे पहला सजेशन आपको ये दूंगा कि कभी भी आप जिम लगाओ तो बहुत से लोग ये करते हैं कि मेरी बॉडी कब बनेगी, 2 महीना 3 महीना। देखो जब आप मुझसे ये सवाल करोगे तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि भाई तू पैसा कितने दिन में कमा सकता है। लोग मेरे को पूछते हैं मैं मसल कितने दिन में बढ़ा सकता हूँ, तो भाई पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अगर आपको मैं ये सवाल करूँ कि आप 1000 रुपये कितने देर में कमा सकते हो, तो आप बोल सकते हो भाई 10 दिन 5 दिन 1 घंटा। पर पैसा कितने दिन में कमा सकते हो जैसे आप ये नहीं बता सकते, तो मसल कितने दिन में कमा सकते हो ये भी आप नहीं बता सकते। मेरे को 16 साल हो गए, अभी तक शांति नहीं है, मसल गेन करने का मन ही कर रहा है। 65 75 85, जितना मसल बढ़ू उतना कम है, इसीलिए घाई मत करो। मसल बिल्डिंग एक पेशेंस का काम है, तो जिम को आप मसल गेनिंग के लिए जिम मत लगाओ, आप एक जिम लगाओ हेल्दी और फिट रहने के लिए। ये चीज जब एडिक्शन में कन्वर्ट होगी तो आपका मसल गेनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टिप नंबर टू, बेस्ट टाइम टू डू वर्कआउट। देखो बेस्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको बेस्ट टाइम बता सकता हूँ वर्कआउट करने का, टेक्निकली साइंटिफिकली बेस्ट टाइम क्या है, पर वो आप दिमाग में रख के बैठ जाओगे और फिर आप बाकी की चीजें भूल के वो बेस्ट टाइम के पीछे पड़ जाओगे। देखो मैं 15 साल से वर्कआउट करता हूँ, मैं स्टार्टिंग के 5 साल इवनिंग में वर्कआउट करता था, सुबह कॉलेज जाता था। अब नेक्स्ट 7-8 साल से जब से मैं बिजनेस में आया हूँ जिम के, तब मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ, शाम को लड़कियां पटाने, नहीं सॉरी शादी हो गई मेरी, लव मैरिज है, शाम को मैं क्लाइंट्स के साथ बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ। तो ऐसा कोई बेस्ट टाइम नहीं होता है, वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है। मैंने वो पीरियड में भी जितना मसल गेन किया था, ये इवनिंग वर्कआउट में भी उतना ही मसल गेन किया, मॉर्निंग में भी उतना ही गेन किया था, और आफ्टरनून में भी उतना ही गेन करूंगा। तो वर्कआउट करना और डाइट करना इंपॉर्टेंट है, ना ही कि ऐसा कुछ स्पेशल टाइमिंग है। पक्का ठंडा है रे, टिप्स देने के लिए जरूरी है क्या पानी में जाना? बाबा कैसे आइस बात लेते रे लोग, बाहर से ही देता टिप्स, भाई नहीं जा पाएगा। ए भाई रखल मत, बहुत ठंडा है सही में, बहुत ठंडा है बाबा। टिप नंबर 3, ठंडी लग रही है। टिप नंबर 3, बीबी के नाद में कभी मत लगो। ओ बाबा यूट्यूब के नाद में ठंडी, रुक 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 देर, मजाक साइड में। टिप नंबर 3, रेस्टिंग बिटवीन द सेट। दो सेट के बीच में आपको कितना रेस्ट लेना है? दो सेट के बीच में आपको 1 से 2 मिनट का रेस्ट ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा रेस्ट लेने से आपका माइंड मसल कनेक्शन भी लूज हो जाएगा, और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन जो आपके ब्लड में बना हुआ है वो भी कम हो जाएगा, बॉडी भी कूल डाउन होना स्टार्ट कर जाएगी। ऐसे टाइम पे जब आप लिफ्ट करने जाओगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस है, क्योंकि आपका माइंड मसल कनेक्शन टूट गया रहेगा। इसीलिए 2 सेट के बीच का रेस्ट 1 से 2 मिनट का ही रखें, 4 से 5 मिनट का नहीं। नहीं तो नई लड़की जिम में आई, उसको देखने के चक्कर में, उसकी बॉडी देखने के चक्कर में खुद की बॉडी गवा के बैठोगे। या तो फोन पे बिग बॉस कौन जीता या इंडिया पाकिस्तान से कौन मैच जीता हारा, इस पे ध्यान नहीं देना, अपने वर्कआउट पे ध्यान दो, उसके बाद जो करना है वो करो। ठंडी। टिप नंबर 4, आपका डाइट और सप्लीमेंटेशन। आपको प्रॉपर डाइट पे ध्यान देना है, जैसे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में आ गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और फाइबर, एंड माइक्रोज में आ गया तुम्हारा विटामिन, मिनरल्स, ये सब। तो मैक्रोज और माइक्रो का लोडिंग कैसे करना है आपको मसल गेनिंग के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल 100% में से आपको 40% प्रोटीन रखना है,
60% कार्बोहाइड्रेट रखना है और 20% आपको जो है फैट रखना है। लोगों को लगता है प्रोटीन 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 खाने से मसल बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रोटीन से थोड़ा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हाफ फैट भी तुमको रखना है। फैट खाने से फैट नहीं बढ़ जाएगा। और इसके साथ प्रॉपर हर एक मील में तुमको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए, मतलब विटामिन्स मिनरल्स आयरन। कोई कोई मिनरल्स और विटामिन्स एक साथ एब्जॉर्ब नहीं होते, तो उसका प्रॉपर तुमको शेड्यूलिंग होना चाहिए डाइट का, जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डाइटिशियन की जरूरत लगेगी। तो मुझे नहीं, अपने पास वाले न्यूट्रिशन को याद कर लेंगे, मुझे भी याद कर लोगे तो चलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टिप्स है जो शायद ही कहीं आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं संतोष शुक्ला हूँ, अलग हूँ। इसके लिए ये टिप्स आपको किधर देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए स्विमिंग करते हैं, सॉरी टॉपिक को शुरू करते हैं। टिप नंबर 5, कार्डियो फॉर मसल बिल्डिंग। हमको कार्डियो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए? देखो, मैं जिम में बैठा रहता हूँ, काफी लोग बोलते हैं कि मैं तो पतला हूँ, मुझे कार्डियो की क्या जरूरत है, या मैं तो मोटा हूँ, मुझे कार्डियो की जरूरत है। देखो, कार्डियो मतलब मोटा या पतला नहीं होता, कार्डियो मतलब हार्ट का एक्सरसाइज होता है, वो हार्ट से रिलेटेड होता है। मोटे और पतले लोग दोनों ने एक मॉडरेट स्पीड में कार्डियो करना ही चाहिए। और सबसे बेस्ट कार्डियो बोलने गया तो स्विमिंग हो गया, ठीक है। तो कार्डियो क्यों करना चाहिए मसल गेनिंग के लिए? फैट लॉस का अलग टॉपिक हो जाएगा, हम मसल गेनिंग की बात करें। तो जब तुम्हारे बॉडी में वर्कआउट करते हो तो बॉडी में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब आप कार्डियो करते हो तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन उससे कम हो जाता है और बॉडी को कूल डाउन करने में काम आता है, जिससे कि आपको मसल गेनिंग में हेल्प मिलती है। क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो प्रॉपर सप्लीमेंटेशन प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन का रीच नहीं होता है मसल तक, जिससे कि आपको मसल गेनिंग में हेल्प स्लो स्पीड स्लो हो जाएगी। सिंपल वर्ड में स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर आपको मसल गेनिंग की स्पीड बढ़ाना है तो कार्डियो 10 से 15 मिनट हफ्ते में 3 बार बहुत ही जरूरी है, रोज भी नहीं करना, नहीं तो नी में प्रॉब्लम आ जाएगी। टिप नंबर 6, प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूलिंग। मतलब मंडे को क्या करूँ, ट्यूजडे को क्या करूँ, वेनेसडे को क्या करूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूलिंग होना चाहिए, जिसमें आपको 4 से 5 दिन वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। एथलीट लोग 5 दिन ट्रेन करते हैं, जनरल फिटनेस वाले 4 दिन ट्रेन करते हैं। 3 दिन भी किया तो आप रेगुलर में काउंट आओगे, सबसे पहला। दूसरा कि कैसा वर्कआउट डिजाइन करना चाहिए, वर्कआउट के बीच में गैप कितना रहना चाहिए, वेरिएशंस कितने करने और सेट कितने करने। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, वर्कआउट के बीच में गैप 1 से 2 मिनट का रहना चाहिए। अब वेरिएशंस कितने करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आज चेस्ट मार रहे हो तो चेस्ट के 5 वेरिएशन करना चाहिए, क्योंकि आप अगर 8-10 वेरिएशन करेंगे ऐसे तो बहुत सारे वेरिएशन है, ब्रेन को आप कन्फ्यूज कर दोगे। ब्रेन को आप ये बता दोगे क्या भाई तेरे को इतना सारा वर्कलोड करना है, तो क्या करेगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे पूरे बॉडी को रूल करता है, तो सबकॉन्शियस माइंड पहले सेट से प्रिपेयर हो जाएगा और जैसा आपका पहला सेट लगना मांगता है उस तरह से वो सेट होगा नहीं। ब्रेन तुमको तुम्हारे बॉडी को पावर सेविंग मोड में लेके जाएगा, तो तुम्हारा सेट थोड़ा 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 ऐसा करके 10 सेट लगाओगे। उससे अच्छा ब्रेन को ये पहले ही बता दो कि भाई तेरे को 5 ही सेट करना है, ये 5 सेट तगड़ा होना चाहिए, तेरे लाइफ का बेस्ट डाल दे इसमें, तो वो 5 सेट तुम्हारे लाइफ का बेस्ट वर्कआउट साबित होना चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड को बता दो कि भाई तेरे को 5 ही सेट करना है। जैसे कि चेस्ट मार रहे हो तो चेस्ट में फ्लैट डंबल प्रेस मारा, फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस मारा, पैक डेक मारा और बारबेल रो प्रेस मारा, इंक्लाइन डिक्लाइन मारा, बारबेल प्रेस, ऐसे 5 वेरिएशन करो और हर वेरिएशन में 3 से 4 सेट करो और उसमें रैप रहना चाहिए 12, 8, 12, 10, 8 और 6 फॉर एडवांस लिफ्टर्स, और बिगनर्स के लिए 20, 18, 16 और 14 या 12, ऐसे 3 से 4 सेट करो एज पर योर कन्वीनियंस। टिप नंबर 7, रेस्ट रिकवरी वार्म अप एंड कूल डाउन। तो याद रखो, कभी भी आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो डायरेक्टली वर्कआउट मत चालू करो, 10 से 15 मिनट बॉडी को वार्म अप करो। जो वर्कआउट आप करने वाले, फॉर एग्जांपल आप चेस्ट मार रहे हो, लेग मार रहे हो, शोल्डर मार रहे हो या बाइसेप ट्राइसेप मार रहे हो, जो भी वर्कआउट, जो भी मसल को आप ट्रेन करने वाले हो उसका 10 मिनट वार्म अप करो, मतलब बिना वेट्स के वर्कआउट करो 20 से 30 रेप। तो आपके ब्रेन को ये समझ में आ जाएगा कि भाई इसको ये मसल ट्रेन करने का, डायरेक्ट जाके आप वेट उठाने लग जाओगे इससे कि आपका मसल गेनिंग नहीं होने वाला, उल्टा आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, मसल टेयर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा वार्म अप का पार्ट। अब आ गया तुम्हारा कूल डाउन का पार्ट। तो कूल डाउन कैसे करते, वर्कआउट करो,
कार्डियो वगैरह कर लो आपको जो करना, उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेचिंग करते वक्त आपको 20 सेकंड होल्ड रखना है। समझो आपने चेस्ट मारा है तो चेस्ट की स्ट्रेचिंग किया, 20 सेकंड होल्ड किया, ये चेस्ट की स्ट्रेच किया, 20 सेकंड होल्ड किया, ऐसा दो दो सेट करो जिससे कि आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होएगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होएगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई होएगा। जहां ब्लड नहीं जाता वहां ऑक्सीजन नहीं जाता, जहां ऑक्सीजन नहीं जाता वहां न्यूट्रिशन नहीं जाता। तो ये कुछ टिप्स है जो आपको वर्कआउट में ऐड करना है, जो आपको मसल गेनिंग फास्ट अचीव होने के लिए मदद करेंगे। तीसरा, आपको ना प्रॉपर मसाज लेना है। बहुत से लोग मसाज पे ध्यान नहीं देते, डाइट क्या करूँ, प्रोटीन कितना खाऊँ, आप कितना खाऊँ, वर्कआउट कैसे करूँ, स्ट्रेच कैसे करूँ, हैवी कितना मारूँ, ये सब चीज़ों पे तो ध्यान रहता है। प्रॉपर मसाज बहुत ही ज़रूरी है। वीक में एक बार अगर एफोर्डेबल है तो मंथ में एक बार या दो बार आप प्रॉपर डीप टिश्यू मसाज कराइए। और डीप टिश्यू मसाज आपको कराना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे मसाज थेरेपिस्ट का डाल दूंगा नंबर, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उससे आप मसाज करा सकते हैं या मुझे भी डीएम कर सकते हैं, मैं आपको उसके कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। तो प्रॉपर डीप टिश्यू मसाज लो जिससे कि तुम्हारे बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता रहे। ये जो भी रिकवरी पार्ट रहता है ये ब्लड फ्लो के लिए ही रहता है, जिससे इंजरी ना हो और मसल में न्यूट्रिशन का सप्लाई जाते रहे। देखो बहुत से लोगों के ये भी कंफ्यूजन रहता है, ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि स्लीप कितने देर की लेनी चाहिए। देखो स्लीप, आप हंसोगे मेरी स्लीप सुन के, मेरी स्लीप है रात को 2 से 6 बजे तक, 2-2.5 बजे से 6 बजे तक मॉर्निंग में, और दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक। मैं ऐसे टुकड़े में स्लीप ले रहा हूँ पिछले 5 साल से, और यही स्लीप पैटर्न में मैंने अपना मसल भी गेन किया है। मतलब मैं 6 घंटा सोता हूँ, वो भी टुकड़े टुकड़े में। ऐसे बहुत से बड़े प्लेयर्स है जो सिर्फ 4 घंटा भी सोते। तो एक कॉमन मैन के लिए स्लीप कितना रहना चाहिए? देखो ऐसा नहीं है कि तुम काम धंधा छोड़ के सोते रहो तो पैसा कौन कमाएगा, घर कैसे चलेगा। एक नॉर्मली बोलने गया तो 6 घंटे की स्लीप इनफ है। अगर आप 8 घंटे की स्लीप लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। सिंपल 4 घंटे की स्लीप भी चलेगी, पर तुम्हारे ब्रेन में स्ट्रेस नहीं रहना मांगता, मतलब नींद है पर तुम सो नहीं रहे हो तो 8 घंटे की नींद भी कम है। पर अगर 4-5 घंटे में 6 घंटे में भी आपका नींद कवर हो रहा है, आपका ब्रेन ओके है, स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो आपको वो स्लीप पैटर्न में भी आपका मसल गेनिंग हेल्प करेगा आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। टिप नंबर 9, सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी, बहुत टबू वाला क्वेश्चन है, बहुत लोगों को मन में आता है पर पूछता बहुत कम लोग है, जो मैं बताता हूँ आपको क्या है। क्या हमें मसल गेनिंग के टाइम सेक्स करना चाहिए क्या, और करना चाहिए तो कितने टाइम करना चाहिए, क्या मैस्टरबेटिंग करना सही रहेगा। ये टॉपिक पे बहुत अलग वीडियो बनेंगे लंबे टेक्निकल, पर अभी छोटे में समझा दूं कि हाँ सेक्स करना जरूरी, मतलब जबरदस्ती नहीं करना, हाँ पर ब्रेन को कंट्रोल नहीं करना, जो भी मन करे। मसल गेनिंग के टाइम तुमको जो खाने का मन करे, जो करने का मन करे, उसको कुछ भी ब्रेन पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मतलब तुम्हारा मन कर रहा है तुम नहीं कर रहे हो, इससे क्या होगा, ब्रेन पे स्ट्रेस डेवलप होगा, कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ेगा, डोपामाइन हार्मोन कम हो जाएगा। उल्टा जो सेक्स करता है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्ट्रेस नहीं रहता लाइफ में, और मसल गेनिंग में ज़्यादा हेल्प होता है क्योंकि डोपामाइन जो हैप्पी हार्मोन है वो ऊपर रहते और जो स्ट्रेस हार्मोन है वो नीचे चले जाते सेक्स और मास्टरबेटिंग करने से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन बाथरूम में ही बैठे रहो या बेडरूम से बाहर निकलो ही मत। इसका मतलब ये कि लिमिट में सब चीज़ें अच्छी है, और अगर लिमिट छोड़ दिया तो भाई इंडिया की पॉपुलेशन तो आपको पता ही है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, कैलरीज सरप्लस बोला है तो कुछ भी खाते नहीं रहना। आपको मसल गेनिंग करना है, आपको फैट गेनिंग नहीं करना है, इसलिए कैलरी सरप्लस में रहना, अच्छी चीज़ें खाना, प्रॉपर मेजर करके चीज़ें खाओ। ये नहीं कि आपको बोला है कैलरी सरप्लस मतलब खाते ही रहो, इसका आपसे वेट से रिलेटेड नहीं, आपके मसल से रिलेटेड है। हमको वेट गेन नहीं करना है, हमको मसल गेन करना है। तो अच्छा फूड खाओ, प्रॉपर कस्टमाइज करके खाओ, और ये जो भी टिप्स मैंने आपको दी है इस पे डिटेल वीडियोस आगे आने वाले। देखो ऐसी बहुत सी टिप्स, ये जितने भी टिप्स आपको दिया है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें आगे डिटेल्ड वीडियो आने वाले जो आपको आपके मसल गेनिंग, फैट लॉस, बहुत सी चीज़ों में, बॉडी बिल्डिंग करियर, फिटनेस करियर में मदद करेंगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहूँगा, तो मुझे फॉलो कीजिए। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर नहीं अच्छे लग रहे तो सब्सक्राइब और लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर अच्छे लग रहे तो ही लाइक करना और सपोर्ट करते रहो। जय भवानी, जय शिवराया।